सुबह सुबह जाना है, पूरा गांव जाना है, पैसे की जरूरत है, इसलिए बेचने आए। अच्छा, तो फिर जब ज्यादा प्रेशर की साइकिल दो तो ओला साइकिल लोग दो को पहले दूसरे जगह साइकिल लेके खड़ा था, तब देखा कि हम लोग इससे बात कर रहे हैं, वो साइकिल लेके भाग नहीं। इस चार के अलावा गोल लगातार समाचार बटुए चौगाई से बड़ा खबर बटुए, साइकिल चोर गिरोह के हो सकत बड़ुए खुलासा। जी हाँ, चार गो साइकिल चोर के कोचिंग संचालक खुदे से पकड़ लें, थाना के सौंप लें। माजरा का बटुए विस्तार से जान ली। चौगाई के बाजार हो खो चाहे चौगाई के मुख्य मार्ग हो खो, साइकिल चोरी के घटना आए दिन होत रहे, कौनो थाना में दर्ज होत रहे या कौनो लोग मन महसूस के दर्ज ना करावत रहन। अभी तक ऑफ रिकॉर्ड अगर पता कोई जाओ तो सैकड़ों साइकिल चौगाई से गायब हो चुकल रहे, लेकिन एगो कोची कोचिंग संचालक के दिलेरी आ ई कहल जाओ कि कोचिंग संचालक के मामला के पीछे पड़ लें खुलासा हो गई। कैसे भाई सब कुछ जानी, खबर के अंत में बयान भी सुनी, युवा नेता के भी बयान सुनी, अंत तक खबर के बनल रही। मामला ई बटुए कि चौगाई के गेट नंबर एक के पास एके कोचिंग नाम से एगो कोचिंग संचालक जेकर अमित कुमार सिंह नाम हो, दंगौली के रहे वाला हमन कोचिंग चलावत रहन तब तक आज अहले सुबह दू गो साइकिल इनका स्कूल के नीचे से गायब हो गई, जौन की खुला परिसर रहे। अभी लोग के माथा ठनकल, लैकनों के माथा ठनकल कि आखिरकार साइकिल गईल कहाँ। तो सबसे पहले दिमाग पर नाचल कि कबाड़ी दुकान के पता कोई जाओ, पता चलल कि एगो कबाड़ी दुकान की यहीं बेचे गईल रहसन, लेकिन कबाड़ी दुकानदार उ साइकिल ना लिहलन, जेकरा बाद दबाव बनल तो कबाड़ी दुकान नाम बतैलन, जौन कि मुरार के एगो लड़का रहे कोचिंग संचालक आ साथे साथे कोचिंग के लड़का ओकरा घरे पहुँच गईलन। जब पकड़ लोग आ तब तनी दबाव दिह लोग तो भक भक उगिल दिह लोग कि चोरी के घटना में चार जना शामिल बने। हालांकि एगो साइकिल तो कोचिंग संचालक के बरामद हो गई, लेकिन एगो साइकिल गायब हो गई, गायब करे वाला ना पकड़ाई। एकरा बाद ये चारों चोर लोग के मुरार थाना में खुदे लेके कोचिंग संचालक पहुँच गए हैं। पहुँचला के बाद मुरार थाना के थानेदार रविकांत प्रसाद के सौंप दिया गई। हालांकि थानेदार के क्राइम मीटिंग में जाए के रहल हटुए, लगभग ये मामला 12 से 1 के बीच के हटुए जब थाना में सौंपल गई बटुए। थानेदार के क्राइम मीटिंग में जाए के रहे, लेकिन हल्का फुल्का ये लोग के चूड़ी कसाइल है, साँझ खा बढ़िया से कसाई आ जब चूड़ी कसाई तो अपने आप पता लग जाए कि साइकिल हतना भारी मात्रा में चोरी कहाँ होत रहे। लेकिन निहोरा करी भोजपुरिया समाचार थानेदार से लेके एसपी आ एसपी साहब से कि हिजा के कबाड़ी दुकान के पता करी। भोजपुरिया समाचार वीडियो देखावत बड़ुए, ए वीडियो में साफ लौकत बड़ुए, रोरा सब देखब दृश्य कि कतना साइकिल काट दिहल गई बड़ी सर। आखिरकार ये साइकिल केकर है, यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों तक कबाड़ी में कटा रहल बटुए। एकर अगर जाँच कल जाए आ कबाड़ी वाला लोग पे भी दबाव बनावल जाए तो खुल के माजरा सामने आ जाए आ साथे साथे सबसे पहले चोर के पूछताछ बढ़िया से अनिवार्य बटुए। ये चोर कुल बता दिए कि कतना मात्रा में साइकिल ये लोग गायब कैले बटुए। अभी चार जना गिरफ्तार भइल बा लोग, अभी और जाना के संभावना बटुए। ये माजरा देख के मुरार थाना के गेट के बहरी सैकड़ों के संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ये कबाड़ी दुकान के दृश्य है जहाँ पे कबाड़ी रखल बटुए, टायर देख सकीला कोनो न कोनो बाइक या साइकिल के ही होई। बयान सुनी या दबा के शेयर करी ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। कैसे आपको पता चला? मामला के सुबह 7 बजे कोचिंग 9 के क्लास का छुट्टी होता है। किस क्लास तक पढ़ाते हैं? 10 क्लास तक पढ़ाते हैं। अच्छा, और 9 क्लास का 7 बजे छुट्टी हुआ। जैसे ही बच्चे उतरे बोले कि साइकिल देखिए दो गायब यहाँ से हो गई। अभी जस्ट अभी बाहर घूम ही रहे हैं, ये दो लड़का जो था ये वहाँ साइकिल के लिए पूछने गया कि कबाड़ी वाला से साइकिल लोगे। कबाड़ी वाला बोला कि नहीं, इतना सुबह हम नहीं लेंगे। कबाड़ी वाला हम लोगों को बता दिया कि देखिए अभी बेचने कबाड़ी वाला बता दिया। हाँ, हम लोगों को बता दिया।
हम लोग जब पूछे थे बोला कि सुबह सुबह जाना है, पुआ गांव जाना है, पैसे की जरूरत है इसलिए बेचने आए। अच्छा। तो फिर जब ज्यादा परेशान की साइकिल दो तो ओला साइकिल लोग दो को पहले दूसरे जगह साइकिल लेके खड़ा था, तब देखा कि हम लोग इससे बात कर रहे हैं वो साइकिल लेके भाग गए। इस चार के अलावा और दो लोग हैं। हाँ, वो लोग भाग गए साइकिल लेके। अच्छा। अब इसको जब ज्यादा प्रेशर दिए तो इसका अनु का नाम लिया, बोला कि हमको भेजे है 500 रुपया दे के साइकिल को बेचने के लिए, साइकिल चोरी करने के लिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। घर? घर दंगौली पड़ेगा। टीचर है? क्या कोचिंग का नाम है आपका? एके कोचिंग सेंटर निदान हॉस्पिटल के पास है। चोरी के घटना है तरीका से थाना में आयल बानी, का रूरा सूचना मिलल? कैसे सूचना? कम से कम 10 दिन महीना दिन से हम देखा था नहीं कि पूरा जितना क्षेत्र में हो रहा था, प्रखंड में चौंगाई प्रखंड जे जे आवत अतरावा मुरार में आवत, हमार जब इगरी घर गांव भाई मुरार बदनाम ही होता है, इससे हमारा कदम उठावे पड़ता है एकदम, एक खातिर कड़ा से कड़ा कदम उठाए। ये बड़ा का भैया घटना क्रम आज भैया कि हमारे पास दंगौली के आयल हलो छात्र सब, ये कोचिंग करावे अमित जी बनी उनका छात्र लहन अमित जी भी लहन, ये दूगो साइकिल मान्यता जी चोरी भैल भी हमारा इंस्टीट्यूट अथी कोचिंग से, हम गोनी आवे जा देखे खातिर गोनी आता, फिर लड़का भेटाइयो गया रास्ता में हमारा, चिन्हतना नहीं पूछनी तो हमारा चोर कैसे पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया से मोबाइल में फोटो खींच ला जा देख ला जा बेचे जाता था, कबाड़ी वाला भेटा गया ना, तो कबाड़ी वाला बोल ये आया था सब बेचने के लिए साइकिल, तो पूछे कहाँ साइकिल बेचता है रे, तो कह फुआ गाँव में जाए के बाद फिर एगो दूसरा था उससे पूछे ते कहाँ बेचता है रे, तो वो बोल रहा है इनकर साइकिल है, हमारा अनु नाम है लड़का का, इनकर साइकिल है, बोल रहा है पकड़ाई बड़ा सा 4 गो पकड़ा गई बाँस, अभी जौन बाँस है वो सब पकड़ा जल्दी कहल बात। का नाम पड़ी? हमारे मनु यादव युवा नेता।